नमस्ते दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं हमारे चैनल पे कि उनको कन्फ्यूजन है कि जब उन किसी की डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट्स पे अलग होती है और ओरिजिनल में अलग होती है तो किस हिसाब से उनका मूलांक या भाग्य अंक समझे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आज इस वीडियो के माध्यम से कि जो ओरिजिनल होती है वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है, उसी का इम्पैक्ट पड़ता है, और जो डॉक्यूमेंट्स पे रन होती है, डॉक्यूमेंट्स पे घूमते रहती है, इसलिए उसका भी इम्पैक्ट आता है, लेकिन वो निग्लिजिबल या फिर हम उसे 10-20% का इम्पैक्ट कह सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यूमरोलॉजी देखते हैं स्पेशली, मैं एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करूँगा, मैं स्पेशली अगर न्यूमरोलॉजी की यहाँ बात करूँ तो उसमें ये ज़रूरी है कि आपकी जो ओरिजिनल बर्थ डेट है उसी के हिसाब से आपका मूलांक या भाग्यांक या आपका जोडियक साइन कंसिडर करें, आपके डॉक्यूमेंट्स के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ना करें। सोचता हूँ कि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। इसका मैं रीज़न ये बताना चाहूँगा कि जब हम बॉर्न होते हैं उस डेट्स पे, उस समय में, उस यूनिवर्स में, जब आपकी एंट्री होती है, जब आप एज अ पर्सन, एज अ बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग बोलो या एज अ बीइंग आप जब एंटर होते हैं, तब वहाँ से आपका असली में आपकी सारी जीवन की कथा शुरू होती है, आपका जीवन शुरू होता है, आपका जो भी चीज़ें हैं वो वहीं से शुरू होती है, तो वहीं से आपका स्टार्ट है, इसीलिए वो मायने रखता है जब आप रियल में आपका जन्म होता है। तो उसी डेट्स पे, उसी नंबर्स के, उस यूनिवर्स में उस नंबर्स के जितने भी इम्पैक्ट रहेंगे वही आपके ज़िंदगी भर के लिए वो आपके साथ कंटिन्यूएशन में आ जाते हैं। तो आप उसी डेट ऑफ बर्थ को माने जो कि आपकी ओरिजिनल बर्थ डेट है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स पे है उसे ना माने। न्यूमरोलॉजी में तो उसे कंसिडर नहीं कर सकते जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप अगली बार जब भी आप आपका मूलांक देखें तो आप आपकी ओरिजिनल बर्थ डेट के हिसाब से देखें, ना कि डॉक्यूमेंट्स वाली। धन्यवाद।